तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने घर से निकल गए हैं और देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है। और अभी का सीन ये है कि अभी तो वीडियो अच्छे से आएगी नहीं, इसलिए हम लोग एक चाय की दुकान पे जाएंगे। वहाँ पे हमारे कुछ और फ्रेंड्स मिलेंगे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स मिलने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं चाय दुकान पे, और यहाँ पे देखिए हमारे कुछ दोस्त लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, तब तक आप लोग छोटा सा सिनेमैटिक शॉट देखिए, उसके बाद हम लोग अपना जर्नी शुरू करेंगे। जिस जगह पे जा रहे हैं, इस रोड की जगह सिर्फ ग्रीनरी ही भरी हुई है यहाँ पे, और कल की बारिश के बाद आप मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना हो गया है। हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन जयमंगला घर, और ये देखिए उसका एंट्रेंस गेट है जयमंगला घर का। रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं यहाँ पे, इसलिए अगर आप अपने बाइक से हैं तो थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएं। खड्डा वगैरह बहुत ज़्यादा है रोड पे, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट गेट था जयमंगला घर का, और आगे एक और भी गेट है, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं पूरा लिखे, ठीक है। टेंपल पे पहुंच चुके हैं। तो गाइज, हम लोग अपने डेस्टिनेशन जयमंगला घर टेंपल पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग हैं मंदिर के परिसर में, और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी हैं जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और जयमंगला घर मंदिर के साथ साथ और भी छोटे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पे, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही है जयमंगला घर टेंपल, देख सकते हैं। और ये टेंपल देश भर में 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है, और यहाँ देवी सती का बायां कंधा गिरा था, जिस वजह से ये टेंपल यहाँ पे है। और ये टेंपल जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के लोगों के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, ये मंदिर हजारों साल पुराना है, और यहाँ पे खुद जयमंगला देवी की मंदिर माता खुद से प्रकट हुई है, और मंदिर अपने आप स्थापित हुआ है, टेंपल यहाँ पे है।
हाय दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा था, एक ऐसी जगह आज आपको ले जाएंगे जो कि बहुत ही अनोखा है, बहुत ही खूबसूरत है और एशिया में ओनली वन है, और वो भी हमारे शहर बेगूसराय में है। तो हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे, और ये है वो जगह कांवर ताल लेक, जिसे हम कांवर लेक भी कहते हैं और लोकली हम जिसे कांवर झील कहते हैं। ये झील जयमंगला मंदिर से मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और ये झील 67.5 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। गंडक नदी से फैला ये झील एक बर्ड सेंचुरी भी है, और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी से 3 गुना बड़ा है। कुछ सालों पहले तक यहाँ पे 60+ स्पीसीज़ के बर्ड, 60 अलग अलग तरह के बर्ड यहाँ आते थे, वो भी सेंट्रल एशिया से आते थे, जो कि अभी आना बंद कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ चुका है और कंडीशंस उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं। तो अगर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये झील बहुत ही खूबसूरत भी है, और पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं हमारे तरह तरह के बर्ड्स, और अगर आप चाहते हैं कि वो वापस फिर से आए तो प्लीज़ पॉल्यूशंस को रोके और उसे फैलने से बचाए। तो चलिए हम लोग इस अनोखे और खूबसूरत नाव का झील का राइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं राइड। हम लोग हैं अभी कांवर झील में और नाव की सवारी कर रहे हैं, और ये देखिए मेरे दोस्त लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए। आप लोग भी यहाँ पे आए तो नाव की सवारी ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, ये थी हम लोग की जमंगला घर और कांवर झील की जर्नी। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बेगूसराय, और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप अपने गाड़ी से या बाइक से भी आ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।